लोग एक्वेरी मार्केट में बहुत जबरदस्त घूम रही है कि एमेंट की बाबा फट चुकी है। लाइक इसका कनेक्शन लोग यहां से जोड़ना चाह रहे हैं कि जब सिल्वर विंग को वो पीछा कर रहा था यानी चेज कर रहा था तो इंगेज होने की बजाय वो मैदान छोड़कर क्यों भाग गया, जबकि वेगार फुल एग्रेसिवली एंगेज करने जा ही रहा था। और बाबा यही इंटेलिजेंस, यही एटीट्यूड इस नौजवान लौंडे को यूनिक बनाती है। जबकि वेगार एक ऐसी एज पर पहुंच चुका है जहां इतनी जंग लड़ने के बाद उसके लिए कहना मानना थोड़ा टफ पड़ जाता है, लेकिन बावजूद इसके इतने कम समय में इस लेजेंडरी ड्रैगन से कनेक्शन सेट किया एंड इसे कंट्रोल भी किया है। ना बैक टू द पॉइंट कि लौटा क्यों, जबकि उसका तो नया खून है, गर्म खून है और एग्रेसिव एटीट्यूड है। मौका भी था, जाता पेल देता, कहानी खत्म हो जाती बस, सिंपल। तो बाबा तजुर्बा भले कम हो सकता है लेकिन अपने बड़े भाई एगोन की तरह चूतिया नहीं है ये बंदा, जो बिना कुछ जाने समझे किसी से भी भिड़ जाए या उलझ जाए। नो डाउट इसने वर्मिथोर को देख लिया था, शायद दो ड्रैगन और हैं और तीनों से ऐसे समय पर भिड़ना जबकि वो अटेंडिंग पोजीशन पर हैं, मतलब पड़ी लकड़ी को सीधा सीधा न्योता देना। दूसरा, सिल्वर विंग को चेज करते समय वेगार थोड़ा थक भी गया होगा, तो बाबा ऐसे में बैक ऑफ करना मेरी नजर में ये कायरता नहीं है, एक फाइन इंटेलिजेंट डिसीजन है। दूसरा, एक और थ्योरी ये सेट करते हैं कि बाबा दोनों ही नए राइडर्स थे, यानी ह्यू हैमर और अल्फ द वाइट, तो उनके पास इतना कोई तजुर्बा नहीं है ड्रैगन को कैसे हैंडल करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो ड्रैगन उनका कहना माने इतने जल्दी ये पॉसिबल तो नहीं था, तो मौका था इजली उन्हें पेलने का, उसके बाद जाता कहानी खत्म कर देता। लेकिन शायद ये बात एमेंड को पता नहीं होगी, क्योंकि एक तो सामने वर्मिथोर, दूसरा प्लस दो ड्रैगन, और तीसरा उसका ये जानना कि वर्मिथोर और सिल्वर विंग ने काफी लंबे समय से किसी को नहीं चुना है, और अगर कोई उसे राइड कर रहा है अब तो शायद कोई दिग्गजी हो सकता है जिसने वर्मिथोर ने उसे चुना होगा, और ऐसे में उसका बैक ऑफ करना ही बेहतरीन चॉइस रहेगी। तो उसकी तरफ से शायद ये एंगल हो सकता है सोचने का जो उसने बैक ऑफ किया है वहां पर। सो दैट्स माय प्रिडिक्शन, मेरे अकॉर्डिंग भाई ये बातें हो सकती हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या थ्योरी हो सकती है, क्या जो भी है अपना कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बता के जाना कि भाई साहब क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, जो भी है। बाकी एमोन की फट गई या उसे कायर कहना अभी के लिए बाबा बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि ये आठवें एपिसोड में सबकी गांड फाड़ने वाला है। लिख के ले लो।